अगेन मैं आपका स्वागत करता हूँ हेल्प ट्यूब की एक बहुत ही कमाल इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ PUBG मोबाइल का 1.3.0 का अपकमिंग 10 न्यू अपडेट, जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है वेयर हाउस से रिलेटेड, या कह सकते हो अरीना ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो अरीना ट्रेनिंग के अंदर ऐड होने वाला है एक न्यू TDM मैप, जिसका नाम होने वाला है कोड सी। अभी जो ये गेम प्ले आप देख रहे हो उसी मैप का है, और देख सकते हो ये मैप कितना ज़्यादा इंटेंस फाइट वाला है, और यहाँ पर हर एक जगह से बंदा निकल सकता है। मतलब ऐसा सीक्रेट स्पेस है जहां पे जाके यदि आप छुप जाओगे और वहां से यदि एनिमी को मारोगे तो उसको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि बंदा यहां पे भी आके कैंप करके मार सकता है। तो ये जो TDM वेयरहाउस या कह सकते हो TDM मैप होने वाला है, बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है जब ये ग्लोबल वर्जन के अंदर आएगा 1.3.0 के अंदर। अब जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है लॉबी से रिलेटेड 1.3.0 के अंदर। अब लॉबी के अंदर भी आपको गन्स देखने को मिल जाएगा, और ये गन्स आप देख सकते हो मेरे हाथ के अंदर भी है। ऐसा भी नहीं है कि ये गन आपको परमानेंट मिलेगा, कुछ टाइम के लिए मिलेगा, या आप इसे परचेज कर सकते हो लॉबी में यूज करने के लिए, और इसे आप किसी को मार नहीं सकते हो, बस यहाँ पे मजे के लिए आप यूज़ कर सकते हो लॉबी के अंदर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम गन यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, आपके हाथ में तवा भी देखने को मिल जाएगा जो कि रैंडमली स्पॉन हो जाएगा आपके हाथ के अंदर, और उसे आप यूज़ कर पाओगे और मज़े ले पाओगे। अब जो थर्ड अपडेट आ रहा है वो आ रहा है स्नाइपर राइफल से रिलेटेड। तो अब एक न्यू स्नाइपर राइफल यहाँ पर ऐड होने वाला है आपके PUBG मोबाइल के अंदर, जिसका नाम होने वाला है मोजी नगार्ड, कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। 7mm का इसमें एमओ लगेगा, और मैं आपको बता दूँ इसे आप कह सकते हो कार 98 का यहाँ रीमास्टर वर्जन, और यहाँ पे ये बिल्कुल कार 98 के तरह ही दिखता है, सब कुछ आपको उसी के तरह देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, और साथ ही साथ इसका जो साउंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग कर दिया गया है कार 98 से, और इसका डैमेज वगैरह हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर से इसका जो रिलोडिंग टाइम वगैरह है वो आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल जाएगा कार 98 से, और ऊपर से इसका जो बुलेट ट्रैवलिंग टाइम है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये कार 98 थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन आप इसे कार 98 का बेटा कह सकते हो। अब जो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा आपको न्यू पावर से रिलेटेड। अब यहाँ पे रुइंस पावर आपका जाने वाला है, उसके जगह पे आने वाला है यहाँ पे 100 रिदम, एक नया मोड जिसके अंदर देखने को मिलेगा 3 पावर, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा हैकर नाइट, और उसके बाद देखने को मिलेगा गार्डियन और सर्वाइवर, और ये तीनों ही मोड या कह सकते हो इन तीनों ही यहाँ पे पावर्स को यूज़ करके सेम आप रुइंस पावर की तरह ही अलग अलग एबिलिटी को यूज़ करके आप एनिमी को बहुत ही आराम से चकमा दे सकते हो। जो सबसे पहला अपडेट है वो है यहाँ पे सर्वाइवल, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वाइवल पावर को जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको गिली सूट मिल जाएगा कुछ देर के लिए, और इस गिली सूट को यूज करके आप बहुत ही आराम से छुप सकते हो और एनिमी को किल कर सकते हो। अब 100 रिदम का जो दूसरा पावर है वो है यहाँ पे गार्डियन, जिसका नाम है गार्डियन, और देख सकते हो इस पावर को जब आप यूज करोगे तो इसके अंदर आपको बहुत ही कम डैमेज मिलेगा एनिमी का, और जो सामने से कोई भी एनिमी आप पे गोली चलाएगा तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अंदर में आपको बहुत ही ज्यादा कम डैमेज मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का बात है, और ये आप कह सकते हो रुइंस पावर जैसा ही है। अब इसी मोड का 100 रिदम का जो लास्ट यहाँ पे पावर है वो है हैकर नाइट, और इसे यूज करके आप बहुत ही आराम से अपने एनिमी को डिटेक्ट कर पाओगे, और देख सकते हो जैसे टच करेगा इसका पावर तो एनिमी ग्लो होने लगेगा, बहुत ही आराम से आपको विजुअल हो जाएगा, और उसे आप बहुत ही आराम से मार दोगे, और मारने के बाद जब यदि आपका एनिमी नॉक होगा तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक यहाँ पे इफेक्ट आएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एनिमी कहाँ जा रहा है। अब जो फिफ्थ नंबर पे अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एक पार्क से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा थर्ड एनिवर्सरी आ रहा है, या कह सकते हो PUBG मोबाइल का थर्ड बर्थडे आ रहा है, और वहाँ पे ऐड होने वाला है PUBG मोबाइल के अंदर, या कह सकते हो 1.3.0 के अंदर ऐड होने वाला है हमारा एनिवर्सरी पार्क, जो कि कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, वैसे ही जो सेकेंड एनिवर्सरी के अंदर आपको देखने को मिलता था लूट वगैरह वैसे ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ गेम ऐड कर दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ऊपर से यहाँ पे एक डीजे चलता है जो कि और भी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, और यहाँ पे देख सकते हो इस डिस्प्ले पे यहाँ पे PUBG मोबाइल बार बार लिखा हुआ आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जगह ऐसे चेंज कर दिया गया, ऐसा भी नहीं है कि जो सेकेंड एनिवर्सरी में पार्क आया था वैसा ही ये जो पार्क है बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया, और ये पार्क बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है जैसे कि आप देख ही रहे हो।
अब जो सिक्स्थ अपडेट है वो है यहाँ पे न्यू मैप से रिलेटेड, जिसका नाम है काराकीन। तो हाँ, आपको देखने को मिल जाएगा 1.3.0 के अंदर काराकीन मैप आपके क्लासिक वर्जन के अंदर, और इसे आप खेल पाओगे क्लासिक मैच के तरह। ये 2x2 किलोमीटर का मैप होने वाला, और देख सकते हो भाई साहब ये मैप कितना ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और इस मैप के अंदर बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और ये मैप अभी तक का सबसे औसम मैप होने वाला है, क्योंकि ये डेजर्ट मैप भी है, और ऊपर से ये मतलब आप कह सकते हो सारे ही मैप का ये मिक्सचर है, कह सकते हो इरेंगल और मीरामार का ये मिक्स मैप है। और ये मैप बहुत ही ज़्यादा औसम है, क्योंकि इस मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ न्यू जो कि अभी तक किसी भी मैप के अंदर नहीं है। सबसे पहले बात करते थे ये मैप, देख सकते हो इसका डिज़ाइन सारे मैप से अलग है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ऊपर से इस मैप के अंदर जो घर है वो भी बिल्कुल ही चेंज है, और ऊपर से इस मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा पेंजर फ्रॉस्ट नाम का एक बहुत ही कमाल का वन टाइम शूट करने वाला एक मिसाइल लॉन्चर, जिसे आप यूज़ कर पाओगे इन गेम, ये नॉर्मल लूट में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसी मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल में सबसे पहली बार ब्लैक जोन, जो कि पूरी घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होता है। मतलब देख सकते हो एक घर के ऊपर ब्लैक जोन बना और गिरा और पूरी तरह से घर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब बात कर लेते हैं 9th अपडेट के बारे में। तो 9th नंबर पर आपको देखने को मिलेगा आपका प्यारा सा सबसे ज़्यादा वेट करवाने वाला मोटर ग्लाइडर। तो ये फाइनली अब ऐड हो चुका है यहाँ पर पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन के अंदर। ये अभी वीटा वर्जन के अंदर है, और 1.3.0 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये बहुत ही आराम से आपके पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन के अंदर, कोरियन वर्जन के अंदर, ताइवान वर्जन के अंदर, वीएनजी वर्जन के अंदर। और इसे आप बहुत ही आराम से यूज़ करके आप उड़ पाओगे अपने दो दोस्त के साथ, मतलब आप एक और उसके बाद आपका दोस्त, मतलब दो बंदे का यहाँ पे सीट मिलेगा, तो दो बंदे के साथ आप उड़ सकते हो। और भाई साहब इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बना के बता रखा है, या मतलब इस पे वीडियो बना के बता रखा है। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का अपडेट है जो कि आने वाला है। अब जो सबसे आखिरी में अपडेट है वो है 10th नंबर का, और 10th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ऐसा फीचर जिसके मदद से आप हेलमेट को हाइड कर सकते हो इन गेम। तो इसके लिए आपको जाना है इन्वेंटरी के अंदर, और उसके बाद सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बैच 7 नाम का एक सेटिंग। इसे जब आप ऑन कर देते हो तो इन गेम आपका हेलमेट देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको एनिमी को देखने को मिलेगा कि आपने कौन सा हेलमेट लगाया, लेकिन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा यदि आप हेडगियर पहनना चाहते, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लेवल 1 का मैंने हेलमेट उठाया, मेरे सर पे नहीं दिख रहा है, और जो मैंने हेडगियर लगाया है ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एनिमी को दिखेगा कि मैंने यहाँ पे लेवल 2 का हेलमेट लगाया है, 1 का हेलमेट लगाया है, या 3 का लगाया है। और देख सकते हो ये कितना ज़्यादा कमाल का और औसम फीचर है, या कह सकते हो कमाल का अपडेट है। आई होप इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल गया होगा 1.3.0 के अंदर जो ये अपडेट्स आने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो गया होगा। यदि हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में आपको नहीं बोला चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी तक यदि आप वीडियो के देख रहे थे चैनल को, मेक श्योर कि आप सिंपली सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को बस एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आप सबको फिर से एक ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए।